हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत सिंपल से एक मज़ेदार एक न्यू चीज़। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता भी होगा, बहुत सारे मेंटर्स ने इसको कराया भी है। डिजिटल सम कोई नई बात नहीं है। इससे क्या है कि आप अपने क्वेश्चन की कैलकुलेशन को बहुत हद तक रिड्यूस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हर सवाल को आप डिजिटल सम से कर पाओगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन बहुत सारे सवालों में जिनमें डिजिटल सम लग पाएगा वो आपके सेकंड भर में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में लिए। होता क्या है, कहाँ से ये आया और क्यों ये लगता है, मैं आपको हर एक क्यों का जवाब दूंगा। कि जब तक आपको क्यों पता नहीं होगा आप इसको अच्छी तरीके से अप्लाई करना नहीं जान पाओगे। कुछ स्टूडेंट बार रट्टा मार लेते हैं और वो क्वेश्चंस में अच्छी तरीके से उसको लगा नहीं पाते, और फाइनली जब पेपर में नया सवाल बन के आता है तो डिजिटल सम धरा का धरा रह जाता है। क्यों? क्योंकि आपको उसके बेसिक बात नहीं पता है कि एक्चुअली में ये आया कहाँ से, डिजिटल सम होता क्या है। तो मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज डिजिटल सम। ये कोई नई चीज नहीं है, आप इसको जानते हो, बहुत पुरानी घिसी पिटी चीज है। अच्छा, डिजिटल सम से पहले एक, जैसे मैं आपके सामने कोई भी नंबर लिखता हूँ, जैसे मैंने आपके सामने नंबर लिखा 1 2 3 4, सभी लोगों को भाग करना आता है, सभी लोगों को डिवाइड करना आता है। अगर सपोज मैं बहुत प्यार से बेसिक से समझाऊंगा, धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाता चलूंगा। जैसे 1 2 3 4, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको डिवाइड करके बताओ, आप मुझे 9 से इसको 9 से डिवाइड करके बताओ, तो आप 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 9, ये 3 हो गया, ये 3 आ गया, 9 3 27, ठीक है भैया, ये 6 हो गया, ये 4, और ये 4 आ गया, फिर 9 7 63, 63, और रिमाइंडर कितना बच गया आपका, 1। रिमाइंडर कितना बच गया आपका, 1। तो 9 से डिवाइड करने पर मुझे पता चला ये रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 1। ये डिवाइड करना 9 से सभी लोगों को आता है, क्लियर है। फिर मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, आप सभी लोगों ने 9 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा। अगर मैं नंबर 1 2 3 4 को ऐसे लिख दूं, अगर मैं इसकी सारी डिजिट का सम निकालू, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, इसकी डिजिट का जो सम है वो है 10, इसकी डिजिट का सम 10 है। अगर मैं 10, 10 तो 9 से डिवाइड नहीं होता, तो फर्दर 9 से डिवाइड कीजिए तो कितना आया, 1। तो देखिए, मैंने इतना डिवाइड ना करके सीधा सीधा मैंने डिजिट का सम कर दिया, 10 आया जो कि 9 से बड़ा है, तो मैंने फर्दर एक बार और 9 से डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये हुआ क्यों, क्या हुआ, क्या प्रोसीजर है, और मैं क्या बताना चाहता हूं, जरा गौर से समझिए। अगर मैं आपके सामने कोई भी नंबर लिखूं, अगर मैं आपके सामने कोई भी नंबर लिखूं, सपोज इसकी इकाई का अंक है ए, ढाई का अंक है बी, सैकड़े का अंक है सी, तो नंबर जो होगा वो इस टाइप से होगा, क्या इस टाइप से नहीं होगा नंबर, ए प्लस 10 बी प्लस 100 सी प्लस 1000 डी, इसी टाइप से आपका नंबर होगा। मुझे बताइए, यहां तक तो किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है, और ये सोन इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। मतलब जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा था अभी, 1 2 3 4, तो ये जो इस नंबर का मतलब था क्या, ये नहीं था 4 प्लस 3, 3 × 10, क्योंकि तुम्हारा ढाई का अंक है, 2 × 100 क्योंकि तुम्हारा सैकड़े का अंक है, 1 1 × 1000 क्योंकि तुम्हारा हजार वाला अंक है, इस टाइप से लिखोगे। तो मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा है इस तरीके से, जो आगे भी बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, सिंपल सी बात। अब जरा मुझे भाई ये बताइए, बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताने वाला हूं, या मैं 4 डिजिट का नंबर ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, क्या मैं इस नंबर को ब्रेक करके ऐसे लिख सकता, 1000 डी को मैं ऐसे लिख देता हूं, 999 डी प्लस डी, मैं 100 सी को ऐसे लिख देता हूं, 999 सी प्लस सी, मैं 10 बी को ऐसे लिख सकता हूं, 9 बी प्लस बी, तो बाकी मटेरियल क्या बच गया, फिर मुझे बताइए बाकी मटेरियल क्या बच गया। ये 1000 डी था, 999 डी मैंने अलग निकाल लिया तो डी बच गया, ये 100 सी था, ये 100 सी था, मैंने यहां से 99 सी अलग निकाल लिया तो क्या बच गया आपका, एक सी बच गया। ये 10 बी था, मैंने 9 बी अलग निकाल लिया तो आपका बी बच गया, और ये ए अलग, ये ए हो गया अलग। बोलो, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, यानी कि मैं किसी भी नंबर को, चाहे एक डिजिट का हो, 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का, हर एक नंबर को मैं इस तरीके से तोड़ मरोड़ के लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, हर एक नंबर को मैं इस तरीके से तोड़ मरोड़ के लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं इस नंबर को 9 से डिवाइड करना चाहूं, मुझे बताइए,
अगर मैं इस नंबर को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहूं, शेषफल निकालना चाहूं, तो मुझे बताइए कि अगर मैं इस नंबर को, मेरे पास नंबर ये है एक्चुअली, अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करना चाहूं तो 9 को मैं अलग अलग लिख देता हूं ना, ऐसे लिख देता हूं कि यहां पे देखिए ये रहा तुम्हारा बटे 9, मैंने इसके में बटे में 9 कर दिया, मैंने इसके बटे में 9 कर दिया, बोलो 9 से रिमाइंडर ही तो निकाल लूं। अब मुझे बताइए, देखिए 999 भी 9 से कटेगा, 99 भी 9 से कटेगा, 9 तो 9 से कटेगा ही, तो यहां से रिमाइंडर 0 आएगा, यहां से कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, 0, सही बात है। यहां से रिमाइंडर का आया डी प्लस सी प्लस बी प्लस ए बटे 9। मतलब क्या, मैंने एक बहुत धांसू चीज निकाल ली कि आपके सामने अगर कोई भी नंबर दे रखा है तो उसकी यदि मैं सारे डिजिट को जोड़ दूं, अगर मैं उसकी सारी डिजिट को जोड़ दूं, तो डिजिट को जोड़ने के बाद सारी डिजिट को ऐड कर लूं, डिजिट को ऐड करने के बाद अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर वही होगा जो उस नंबर को 9 से डिवाइड करने पर आएगा। क्लियर है? अगर मैं किसी भी नंबर की सारी डिजिट ए बी सी डी, लाइक जैसे यहां पे मैंने 1 2 3 4 एक नंबर लिखा था, अगर मैं इसकी सारी डिजिट को ऐड कर दूं तो सारी डिजिट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो कितना आ रहा था 10, और 10 को मैं 9 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर 1 वही आएगा जो 1 2 3 4 को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है। क्लियर है? तो मुझे ये लॉजिक पता चल गया और यही 9 का डिविजिबिलिटी रूल है। अगर आपको यही बात पता है तो डिजिटल सम कोई नई नवेली बात नहीं आपके लिए। डिजिटल सम क्या है? कुछ भी नहीं, किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है वही डिजिटल सम है। ठीक, तो किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है एक्चुअली में वही डिजिटल सम है। जैसे कि मैं आपके सामने बहुत छोटा सा नंबर लिखूं 169, ठीक है, समझते रहे ना बात को। अब जरा मुझे ये बताइए कि 169 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर बचेगा? 9 एकम 9 7 9 उतार लिया, 9 8 72, ठीक है भैया, सिंपल सा। तो रिमाइंडर शेषफल क्या बचा? 7। तो 169 को 9 से डिवाइड करने पर, इसको 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर क्या है तुम्हारा? 7। रिमाइंडर है 7। ये डिजिटल सम की फर्स्ट परिभाषा है। दूसरी बात, ये तो 9 से डिवाइड करने पर क्या बचा आपका? रिमाइंडर, जो कि कितना आया? 7। लेकिन अगर मैं 169 के सारे डिजिट के सम को ऐड करके 9 से डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर बराबर ही आना चाहिए। तो अगर मैं इसके सारे डिजिट को ऐड करूंगा, 6 1 7 7 और 9 16 हो गया, सिंपल सा, 6 1 7 9 16। अगर आप 16 को फर्दर 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा रिमाइंडर? अभी भी रिमाइंडर 7 ही आएगा। कोई दिक्कत यहां पर किसी भी स्टूडेंट को? देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात थी। तो अगर आप यहां पे 169 के सारे डिजिट को आपको तब तक ऐड करना है जब तक आपको एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। 169 की अगर आप बात करोगे तो 1 प्लस 6 प्लस 9, ये कितना हो जाएगा? 6 1 7 9 16। अब 16 9 से बड़ा हो गया, आपको इसको 9 से फर्दर डिवाइड करना होता है। अगर आप 16 को फर्दर 9 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो डिजिट का सम ही, यानी कि कितना हो जाएगा? 7। यानी कि मैंने 6 और 1 को फिर से ऐड कर दिया, मैं तब तक ऐड करता रहा जब तक मुझे एक सिंगल डिजिट नंबर ना मिल गया। बोलो क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? सिंपल सा, जैसे कि मैं आपके सामने एक सिंपल सा नंबर लिखता हूं 273। सभी लोगों को पता है कि इस नंबर को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको? 3 आएगा। तो 9 से डिवाइड करने की आपको बार बार जरूरत नहीं। अगर मैं इसके डिजिट का सम निकालूं तो देखिए डिजिट का सम होगा 2 प्लस 7 प्लस 3, 7 2 9 3 12, 12 आएगा। लेकिन मैंने डिजिट का सम निकाला 12 है, 12 को फर्दर 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। लेकिन 12 के अगर मैं डिजिट का सम निकालूं तो ये भी कितना हो जाएगा? 3। यानी कि अगर आपको किसी भी नंबर का डिजिटल सम निकालना है तो तब तक ऐड करते रहिए जब तक एक सिंगल डिजिट आपको ना मिल जाए, एक सिंगल डिजिट जब तक आपको ना मिल जाए। क्लियर है? यहां तक सभी स्टूडेंट को बात समझ में आई? तो डिजिटल सम की दो परिभाषाएं, किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है वही डिजिटल सम है। आप किसी भी नंबर की डिजिट्स को तब तक ऐड करते जाना है फर्दर एंड फर्दर जब तक आपको एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए, और वही सिंगल डिजिट उस नंबर को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर होती है।
क्लियर है, सिंपल सी बात है, यहां तक सभी स्टूडेंट को बात समझ में आ रही है। अब बात होती है कि 9 को इग्नोर करना, 9 को इग्नोर करना, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर है, गौर से सुनना। तो मैंने आपके सामने 1 से लेकर 9 तक की गिनतियां लिखी है। अगर मैं इनके डिजिटल सम की बात करूं तो 1 का डिजिटल सम 1 होगा, 2 का डिजिटल सम 2 ही होगा, 3 का डिजिटल सम 3 होगा। डिजिटल सम मतलब अगर मैं 1 को डिवाइड करता हूं 9 से तो रिमाइंडर जो होगा वो 1 ही होगा, रिमाइंडर क्या होगा वो 1 ही होगा, बोलो कोई दिक्कत इसमें। अगर मैं 2 को डिवाइड करूंगा 9 से तो रिमाइंडर 2 ही होगा, 3 को डिवाइड करूंगा 9 से तो रिमाइंडर 3 होगा, 4 को डिवाइड करूंगा 9 से तो रिमाइंडर 4 ही होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब देखिए जरा यहां तक बात क्लियर है सभी स्टूडेंट को कि 1 को डिवाइड करोगे आप 9 से रिमाइंडर 1, 2 को डिवाइड करोगे 9 से रिमाइंडर 2, 3 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3, 9 से डिवाइड करोगे। अगर मैं इसमें 9 ऐड कर दूं तो देखिए रिजल्ट क्या हो जाता है तुम्हारा 10, 10 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो फर्दर रिमाइंडर क्या आएगा आपका 1 आएगा। अगर मैं इसमें 9 ऐड कर दूं तो 9 + 2 क्या हो जाएगा 11, 11 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2। अगर मैं 3 में 9 ऐड कर दूं देखिए रिजल्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा 12, 12 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 3। अगर मैं 4 में 9 ऐड कर दूं तो 9 + 4 क्या हो जाएगा 13 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा फर्दर तुम्हारा 4। बोलो सिंपल सी बात है, क्लियर है। मतलब हमको ये पता चला कि किसी भी नंबर में अगर हम 9 ऐड कर दें, अगर आपको 9 कहीं छुपा हुआ मिलता है तो उसका डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 को जस्ट क्या करना होता है आपको इग्नोर करना होता है। इस बात को मैं आपको और एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे कि नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, इस नंबर का डिजिटल सम बताइए या फिर इस नंबर को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट ये करेंगे 2 और 1 3 3 3 6 6 4 10 4 10 10 5 15, जोड़ने पर आया तुम्हारा 15, वो फिर 15 को फर्दर 9 से डिवाइड करते तो 9 एकम 9 रिमाइंडर आ गया तुम्हारा 6। क्या अगर रिमाइंडर 6, ये रिमाइंडर आगे 9 से डिवाइड करने पर ये आपका डिजिटल सम भी हो गया। लेकिन मैंने क्या बोला अभी, मैंने समझाया कि आपको डिजिट के सम में 9 को क्या करना है, इग्नोर करना है। अगर मैं 5 और 4 ये 9 को मैं हटा दूं तो 2 और 1 3 3 6 डायरेक्ट रिमाइंडर कितना जाएगा 6, आपको इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर है। एक्चुअली में यहां पे हो क्या रहा है कि जब मैं इसके डिजिट का सम निकालूंगा 1 2 3 4 5 का तो ये तुम्हारा 15 आएगा और 15 को फर्दर मैं लिख सकता हूं 6 + 9, 15 को फर्दर आप 6 + 9 लिख सकते हो। और अगर आप इसको 9 से डिवाइड करोगे तो 9 से 9 तो कट ही जाएगा ना, तो रिमाइंडर तो आपका 6 ही बचना। तो फाइनली आपको 9 को हटाना ही है, अल्टीमेटली जाके आपको 9 को हटाना ही है। तो क्यों ना मैं उस 9 को यहां पर पहले ही हटा दूं तो बाकी बचा कुचा क्या रह जाएगा आपका रिमाइंडर रह जाएगा, बोलो कोई दिक्कत है। मैं और एग्जांपल लेके चलता हूं, जैसे हमने आपके सामने लिखा 27138, ये है। मैं पूछता हूं कि बताइए इस नंबर को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, आप कहोगे 7 2 9 और 1 10 10 3 13 और 13 और ये 8 कितना हो गया 21, ये 21 हो गया, बोलो ठीक है। अब 21 तो 9 से बड़ा है, आप कहोगे कि इसको फर्दर 9 से डिवाइड कर देते 9 2 18, रिमाइंडर आ जाएगा तुम्हारा 3, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 3, ठीक है। मैं कहूंगा शाबाश एकदम सही बात है, लेकिन मैं बाद में बोलूंगा थोड़ा जल्दी हो सकता था। जल्दी कैसे हो सकता था कि मैंने यहां पे अगर 9 को इग्नोर कर दूं, देखिए 7 + 2 9 और 8 1 9 हटा दे तो बचा क्या 3, 3 ही तुम्हारा डिजिटल सम हो गया, यानी कि इस नंबर को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा 3 बचेगा, सिंपल सी बात है। क्या बचेगा रिमाइंडर 3 बचेगा। एक्चुअली में हुआ क्या कि जब मैंने इसके सभी डिजिट का सम किया तो जोड़ने पर 21 आया, 21 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 9 + 9 + 3, 9 9 9 + 9 18, 18 प्लस 3 कितना हो गया तुम्हारा 21 हो गया कि नहीं। अगर मैं फर्दर 9 से डिवाइड करूंगा तो देखिए 9 से 9 0 देगा, 9 से 9 0 रिमाइंडर देगा, 3/9 रिमाइंडर क्या बचेगा तुम्हारा 3। तो अल्टीमेटली जब आपको फाइनली 9 हटाना ही है तो क्यों इतना कष्ट किया जाए, यहीं पे हम 9 हटा देते हैं, 7 2 9 8 1 9, 3 ही क्या बच जाएगा आपका डिजिटल सम, क्लियर है। कोई समस्या इसमें किसी भी स्टूडेंट को यहां तक? तो ये तो हो गई कि आप डिजिटल सम किसी भी नंबर से कैसे निकालते हो, आपको 9 को इग्नोर करना होता है जब तक ऐड करते जाना है जब तक आपको एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। दूसरी बात, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में बोलूं तो जैसे लिखा हुआ है, जैसे मैं 9 9 की मल्टीप्लाई 7 में करता हूं तो क्या आता है 63,
क्लियर है? क्या आता है 63। मैं 9 की मल्टीप्लाई 11 में करता हूं क्या आएगा 99। मैं 9 की मल्टीप्लाई सपोज 18 में करता हूं तो क्या आ जाएगा 162। क्लियर है? अब मुझे ये बताइए, मैंने यहां पर तीनों जगह 9 से मल्टीप्लाई की है 63 का अगर मैं डिजिटल सम देखूं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं डिजिटल सम, 6+3 9 हो गया, 9+9 18 है और ये तुम्हारा फिर से 9 हो गया। देखिए क्लियर है? 6+7 2 9, ये भी आपका डिजिटल सम 9 हो गया। यानी कि किसी भी नंबर को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा डिजिटल सम क्या आएगा, 9 ही आएगा। ओके, अगर आप किसी भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा और आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो चाहे मैं रिमाइंडर 0 बोलूं, चाहे मैं डीएस, चाहे तो मैं रिमाइंडर 0 बोलूं या 9 बोलूं, बात एक ही है। क्लियर है? कोई समस्या इसमें किसी भी स्टूडेंट को यहां तक? ये सिंपल सा था, ठीक है? चले आगे बढ़ेंगे। यहां तक सभी लोगों को बातें समझ में आई होंगी, ठीक है? चले अब इंपॉर्टेंट सी चार पांच चीजें और समझने कि आपके जो एक्शन होते हैं प्लस माइनस जोड़ घटाना गुणा भाग, हर किसी में डिजिटल सम आप लगा सकते हो, हर किसी में आप डिजिटल सम लगा सकते हो, ठीक है? जैसे कि आप सिंपल सा समझेंगे, अगर आपको सपोज मैं छोटे छोटे एग्जांपल लेता हूं, जैसे यहां पे लिखा हुआ है 11 इंटू 17, ठीक है? सभी को पता है कि अगर आप 11 इंटू 17 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 187 आएगा। तो अल्टीमेटली जो डिजिटल सम का कंसेप्ट ये बोलता है कि लेफ्ट हैंड साइड में 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा, राइट हैंड साइड में भी 9 से डिवाइड करने पर वही रिमाइंडर बचना चाहिए। बस यही अल्टीमेट कहने की बात है कि अगर आपको दो साइड दे रखे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इस साइड को 9 से डिवाइड करो तो वही रिमाइंडर बचेगा जो इस साइड को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचेगा। क्लियर है? सिंपल सी बात। अगर मैं यहां पे 9 से रिमाइंडर निकालूं, देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं यहां पे 9 से रिमाइंडर निकालूं, 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर तो बराबर आना चाहिए कि नहीं, तो सिंपल सी बात है। देखिए 11 को 9 से डिवाइड करोगे तो 2 हो जाएगा, 17 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 8। तो 8 × 2 = 16, 16 को फर्दर 9 से डिवाइड कर दोगे तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा तुम्हारा, 7। यहां पे देखिए 9 × 2 = 18, 80, 180, 20 बार चला जाएगा तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 7। यानी कि मैंने यहां भी 9 से डिवाइड किया तो भी रिमाइंडर 7, यहां भी 9 से डिवाइड किया तो भी रिमाइंडर 7, और 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर ही क्या होता है, डिजिटल सम होता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी थी। तो मेरे कहने का मतलब यह था कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में डिजिटल सम निकालूं और राइट हैंड साइड में डिजिटल सम निकालूं तो दोनों क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। बस सिंपल सा इतना ही लॉजिक समझना था कि अगर यहां पे 1+1 देखोगे तो डिजिटल सम 2 है, यहां पे 7+1 देखोगे तो डिजिटल सम 8 है, 2 × 8 करोगे तो 16, 16 का मतलब डिजिटल सम कितना है, 7 है। यहां पे डिजिटल सम देखोगे तो 8 × 9 ये तुम्हारे 0 हो गया, तो डिजिटल सम यहां भी 7 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी डिजिटल सम 7 है, राइट हैंड साइड में भी 7 है, जो कि होना चाहिए। तो सिंपल सा कुछ भी नहीं है, हम केवल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 9 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। क्लियर? यहां तक समझ में आया? जैसे कि मैं आपके सामने एक सिंपल सा एग्जांपल ले लूं, 41+23, सभी लोगों को पता है कि 41+23 क्या होता है, आपका 64 होता है। अगर मैं चाहे लेफ्ट हैंड साइड में 9 से डिवाइड करूं चाहे राइट हैंड साइड में 9 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर दोनों से बराबर होना चाहिए। अगर मैं यहां पे 9 से डिवाइड करूंगा, यहां पे 9 से डिवाइड करूंगा तो देखिए 9 × 36 रिमाइंडर का आएगा 5। 23 को 9 से डिवाइड करोगे ना, दोनों के बट्टे में 9 ले जाओगे तो 9 × 2 = 18, यहां से भी 5 आएगा, 5+5 = 10, 10 को फर्दर 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर फाइनली क्या आएगा तुम्हारा, 64 को 9 से डिवाइड करोगे तो 9 × 7 = 63, रिमाइंडर क्या आएगा, 1। देखिए रिमाइंडर तो दोनों तरफ से 1 ही आ रहा है, मैंने वेरीफाई करा दिया। अब देखिए डिजिटल सम भी दोनों जगह से बराबर होना चाहिए। यहां पे देखिए 4+1 डिजिटल सम क्या आएगा, यहां से तुम्हारा 5 आएगा, 2+3 यहां से डिजिटल सम कितना आएगा तुम्हारा, 5 आएगा, 5+5 = 10, यानी कि डिजिटल सम कितना हो गया, 1, 6+4 = 10, 1+0 = 1, तो डिजिटल सम क्या हो गया, अल्टीमेटली 1। बस खत्म। इतनी सी बात जिस स्टूडेंट को समझ में आ गई वो सिंपल सा समझ जाएगा कि हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 9 से जहां पे रिमाइंडर बराबर आ जाए वही आपको बस चेक करना है। क्लियर है? अब जोड़ घटाना गुणा भाग में तो बहुत आसानी से लगा देते, स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है
डिवीजन में, कि डिवीजन में कैसे लगाएंगे। जैसे मैं आपके सामने बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि अगर जैसे इस तरीके से दिया हूं कि एक्स इंटू आठ बराबर 136, एक्स इंटू आठ बराबर 136, ये सिंपल सा लिखा हुआ है। और देखिए ये आपके ऑप्शन है 17, 18, 19 और 11, ये आपके ऑप्शन। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? वैसे तो आप इसको कर लोगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिजिटल सम से कैसे करोगे, ठीक है। अगर हम यहां पे देखिए दो तरीके, अगर मैं x की वैल्यू देखूं तो x की वैल्यू अल्टीमेटली है क्या 136 बटे 8, ठीक है, यही x की वैल्यू। अगर आप न्यूमरेटर में डिजिटल सम देखोगे तो 639, ये तो तुम्हारा ऊपर डिजिटल सम 1 आ गया, नीचे से डिजिटल सम कितना है तुम्हारा 8, ही 1/8 हो गया। हमको एक्चुअली में चाहिए क्या, हमको डिनोमिनेटर में 1 बनाना होता है, हमको क्या बनाना होता है डिनोमिनेटर में, हर में 1 बनाना होता है। अब अगर मैं ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फर्क तो कोई पड़ेगा नहीं, अगर मैं ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करूं, 8 एकम तो 8 हो गया, अट्ठू मट्ठू कितना होता है 64, 64 मतलब 6 + 4 = 10, 10 मतलब 1 + 0 = 1, तो नीचे d की डिजिटल सम 1 बन गया कि नहीं, बोलो कोई डाउट है? तो 8/1 यानी कि तुम्हारा कितना आ गया 8, यानी कि x की जो भी वैल्यू होगी उसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए 8, x की जो भी वैल्यू होगी उसका डिजिटल सम 8 होना चाहिए। क्या ये 8 है? नहीं, क्या ये 8 है? ये भी नहीं, क्या ये 8 है? ये भी नहीं, केवल यही 8 है और यही आंसर है। तो आपको इस तरीके से चेक करना है चीजों को। तो अगर यहां पे बटे 8 है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर मैं ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे डिनोमिनेटर में डिजिटल सम 1 बन जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टेबल बता दे रहा हूं, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इस तरीके से है, ठीक है। अब जैसे कोई भी फ्रैक्शन है, कोई भी फ्रैक्शन है, ठीक है ना, अगर यहां पे बटे में चाहे आपको, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, चाहे बटे में आपको 1 दे रखा है, बटे में आपको 2 दे रखा है, बटे में आपको 5 दे रखा है, बटे में आपको 4 दे रखा है, बटे में आपको 7 दे रखा है, बटे में आपको 8 दे रखा है, ठीक है। अगर आपको नीचे 1 दिख रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई करनी है। अगर आपको 2 दिख रहा है तो आपको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है ना, 5 से मल्टीप्लाई करनी है। अगर 5 दिख रहा है आपको तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी है, क्लियर है, ऊपर नीचे, ठीक है। मैं अभी समझा दूंगा आपको, धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको न्यूमरेटर में 4 दिख रहा है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करनी है, 7 से मल्टीप्लाई करनी है। जैसे कि सपोज लिखा हुआ है ना 3/4, अगर ऊपर नीचे आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 तो 21 हो गया, ठीक है, डिजिटल सम ऊपर से 3 आ गया, नीचे 4 7 28, 8 2 10, डिजिटल सम नीचे से 1 आ गया, तो नीचे 1 बन गया कि नहीं, सिंपल सा था। तो अगर आपको 4 दिखता है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करनी है, ऊपर नीचे 7 से। ऐसे अगर आपको 7 दिखता है तो किससे मल्टीप्लाई करनी है, 4 से। देखिए सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है। अगर आपको 8 दिखता है तो आपको मल्टीप्लाई भी किससे करनी है, ऊपर नीचे 8 से। तो ये छोटी सी टेबल है, बस ये आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है। तो ये बेसिक थ्योरी है आपकी डिजिटल सम की, कि ये होता क्या है डिजिटल सम का। हाँ, एक बात और कि डिजिटल सम का परसेंटेज वगैरह पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर है। वो मैं आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे समझाता चलूंगा। जैसे कि हम पहला सवाल लेके चलेंगे, यस, सवाल नंबर 1 डिजिटल सम पर बेस्ड क्वेश्चन है, सवाल नंबर 1। क्वेश्चन बहुत ज्यादा सरल है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं खास, आप इसको जोड़ के भी कर सकते हो, लेकिन इतना ज्यादा आपको जोड़ना है तो आपको टाइम तो लगेगा, लेकिन मैं कहूं कि आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना। ये आपका क्वेश्चन है, 4 आपके ऑप्शन है, आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बराबर होना चाहिए, या फिर डिजिटल सम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इक्वल होना चाहिए, तो डिजिटल सम निकालते हैं। आपको क्या करना है, 9 को क्या बना देना होता है, 0 बना देना होता है, तो 5 3 8 1 9 हो गया, 7 4 11, डिजिटल सम 2 हो गया, ठीक है, क्लियर है, सिंपल सी बात है। यहां पे आप देखेंगे तो ये 5 3 8 8 6 14 14 5 19 19 2 21, तो ये डिजिटल सम आपका यहां से 3 हो गया, ठीक है, 5 4 9 3 3 9 ये 0 हो गया, ठीक है, 7 2 9 6 5 11, डिजिटल सम 2 हो गया, 4 3 7 2 9, ये आपका 0 हो गया। भाई डिजिटल सम अगर 9 है तो उसको 0 ही मान लेंगे, 0 के इक्विवेलेंट होगा, क्लियर है। देखेंगे 3 और 2 5 2 7, डिजिटल सम कितना आया, 7 आया। तो
तो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 7 होगा वही आंसर होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं 5 4 9, ठीक है, 7 8 6 14 डिजिटल सम तुम्हारा 7 नहीं है। यहाँ पे देखते हैं हम ये कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा 6 1 7 6 13 13 4 17 6 23, ये भी नहीं तो 5 हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं तो जाएगा 8 1 9 7 4 11 6 17, ये 8 हो रहा है, ये भी नहीं। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पर आप देखोगे 7 3 8 7 15 15 4 19 19 6 25 5 2 7 7 हो रहा है, यही तुम्हारा आंसर है डी ऑप्शन, क्लियर। तो देखिए आपने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ऐसा नहीं कि इस तरह की फर्जी और वाहियात कैलकुलेशन में ही आपका, क्योंकि तो बैंकिंग में आता है, SSCCS का कोई लेना देना है नहीं इस टाइप की कैलकुलेशन का। आप बहुत सारे टॉपिक परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट रेशियो, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में खासकर आप किसी भी टॉपिक में डिजिटल सम को लगा सकते हो कि कैलकुलेशन तो अर्थमेटिक में हर जगह होती है और आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिजिटल सम हमेशा बराबर होना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए जैसे कि ये है 937 का होल स्क्वायर, ठीक है, सिंपल सा समझना। देखिए 9 हो गया, 7 3 10 1 1 का स्क्वायर करेंगे डिजिटल सम कितना है 1। अब आंसर ऑप्शन में भी डिजिटल सम क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो देखिए सिंपल सही, तो 9 से 9 हो गया तुम्हारा, ठीक है, 8 7 15 7 22 22 6 कितना हो गया 28, 8 2 10 1, ये 1 बन रहा है तो ये आंसर हो सकता है। इसको देख सकते हैं 5 4 9 6 3 9, ये 8 बन रहा है, ये आंसर नहीं है, 9 हो गया, ठीक है, और 6 6 12 12 7 19, ये 1 8 1 9, ये भी नहीं है, ठीक है। इसको देखते हैं 9 9 खत्म हो गया, ठीक है, 8 6 14 14 7 21 21 और 6 तुम्हारा कितना हो गया 27, ये भी नहीं है, खत्म। तो एक ही ऑप्शन में बन रहा है तुम्हारा, क्लियर है। तो आपको इस तरीके से जल्दी जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 देखिए, एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको कि डिजिटल सम आपका अप्रोक्सीमेशन के सवालों में काम नहीं करता है। जिन सवालों में आंसर ऑप्शन आपको अप्रोक्सीमेट दिए होंगे वहां पे डिजिटल सम काम नहीं करेगा। डिजिटल सम का जो कंसेप्ट है वो एक्चुअल ऑप्शन में, एक्चुअल आंसर में ही काम करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। चलिए जैसे ये क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से देखो तो आप सेकंड भर में सॉल्व कर सकते हो। आपको इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। सपोज क्वेश्चन मार्क जो है ये आपका एक्स है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो डिजिटल सम देखिए 8 8 16, ये कितना हो गया तुम्हारा 7 हो गया, 7 3 10 1, 7 × 1 7 हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा 4 2 6 2 1 3 6 3 18 18 1 9, ये 9 हो गया, 7 प्लस 9 डिजिटल सम कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 8 1 9, ये 1, इधर 7 है माइनस 6 है 1 है, तो x का जो डिजिटल सम होगा 7 माइनस 1 6 होगा। आपको बहुत फास्ट होना है, देखिए जो 6 देगा वही आंसर होगा, 8 1 9 3 नहीं है। ये देखते हैं 6 2 8 8 16 तो 7 है, 5 2 7 8 15 6 है, ये 6 पॉसिबल है, 5 2 7 6 13 4 है, खत्म। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपको बहुत फास्ट करना है जल्दी से चीजों को, जैसे कि अभी मैं एक ये डिवीजन का भी सवाल डाला है, यहाँ पे देखेंगे 113 × 114, ठीक है, सिंपल सा 2 3 5 हो गया, 2 और 4 6 हो गया, 6 5 30 डिजिटल सम कितना आ गया, यहाँ से 3 आ गया, ठीक है, 1127 7 2 9 हो गया, 2 2 बटे 2 प्लस 3 डिजिटल सम कितना हो गया 5। देखिए यहाँ पे 2 बटे 5, जब भी मैंने बोला कि फ्रैक्शन में अगर बटे में 5 आ जाए तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तुम्हारे नीचे 5 2 5 2 9 10 डिजिटल सम 1 बन जाएगा। तो 3 माइनस 4 कितना आ गया तुम्हारा, माइनस का 1 आ गया, बराबर क्वेश्चन मार्क है एक्स, अब इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो एक्स बराबर 1 माइनस 1 क्या आएगा 0, कितना आ गया 0, ठीक है। तो चाहे डिजिटल सम 0 हो या फिर 9 हो, बात एक ही है। अरे चाहे रिमाइंडर 9 बचे, 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचे, बात एक ही है। तो जिस आंसर का डिजिटल सम 9 होगा वही तुम्हारा आंसर होना चाहिए, ठीक है, सिंपल सा देखेंगे 7 2 9 सॉरी यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 7 2 9, 4 5 3 8 है, तो 8 है, ये आंसर नहीं है, 8 1 9, 2 2 4 3 7 ये भी नहीं है, और ये वाला देखते हैं 4 4 8 1 9, 6 2 8 ये 8 है, तो मतलब यही आंसर फिर पॉसिबल होगा। देखेंगे 9 3 3 6 3 9, देखिए डिजिटल सम 9 है, ये आंसर हो गया सिंपल सा। देखिए बहुत सिंपल है, वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, आप तुरंत सारे सवाल कर लोगे, ठीक है। जैसे यही क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सरल है, सवाल में कुछ है नहीं, आप देखोगे, देखिए यहां से 7 3 10 11 है, 11 मतलब डिजिटल सम कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया तुम्हारा 4 हो गया डिजिटल सम यहां से, ठीक है।
ऐसा देखेंगे तो 8 × 1 9, 4 × 2 6 आ गया, 7 × 4 11 मतलब 2 आ गया, 6 × 2 12 मतलब 3 हो गया, तो 4 + 3 बोले सही बात है बराबर क्वेश्चन मार्क एक्स, ठीक है ना। देखिए 5 × 4 9 हो गया, 4 × 2 6 हो गया, 6 × 1 7 हो गया, 7 × 6 42, 42 मतलब 6, तो डिस्टेंस हम 6, तो एक्स एक्स का डिस्टेंस हम कितना जाएगा, 4 × 3 7 − 6 1, तो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 1 है वही आंसर है। देखिए सिंपल सा देखेंगे यहां से तो मुझे दिखाई देगा 8 × 1 9 6 × 6 12 7 19 19 मतलब 9 × 1 10 1, ये 1 आ रहा है तो ये आंसर हो सकता है। देखिए यहां पे अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 7 8 6 ये 106 था, ये 105 था, मतलब इसका डिजिटल सम तो 1 नहीं आने वाला। ऐसे आप यहां पे देखोगे तो ये भी आपका देखिए यहां पे 106 था, ये 206 था, मतलब इसका डिजिटल सम भी 1 नहीं आने वाला, ना ही इसका 1 आने वाला, तो आंसर क्या होगा फर्स्ट ऑप्शन। देखिए कितना इजीली आपने चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है, फास्ट रहना है आपको, फास्ट जल्दी से देखेंगे अगला। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देखोगे 3 × 2 5 और 2 7 7 बटे, ठीक है ना, 4 × 3 7 1 8 7/8, मैंने बोला कि अगर बटे में 8 है तो ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दो, आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 2 = 64, नीचे तो 1 बन गया, 8 × 7 = 56, 6 × 5 = 11, 1 + 1 = 2, डिजिटल सम कितना आ गया यहाँ से, 2 आ गया, सही बात है। यहां से देखेंगे 6 × 2 = 8 हो गया, 7 × 4 = 11, 1 = 12 हो गया, 3 × 8 = 24, 4 × 2 = 6 हो गया, 6 × 2 = 8, तो डिजिटल सम यहां से कितना बन गया आपका 8। ये बात समझ में आई आपको सभी को, सिंपल सा था ना। और ऑप्शन से देखते हैं 5 × 4 9 6 × 2 8, ये 8 है, ये आंसर हो सकता है। यहां से देखते हैं 3 × 2 5 5 10 10 6 16 7 हो रहा है, ये आंसर नहीं है, ठीक है, 8 × 2 10 1 1 + 4 5 5 + 6 11 2, ये आंसर नहीं है। इसको देखते हैं 2 × 2 4 6 10 1 1 6 7, ये भी आंसर नहीं, एक ही ऑप्शन आंसर पॉसिबल, कदम सवाल। कितना टाइम लगता है सवाल में, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। सवाल नंबर 7 बहुत ज्यादा पेपर में आने वाला। देखिए सवाल नंबर 7 ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, ठीक, इसको ध्यान से समझना। जैसे कि √1 + 90 91 92 93, इसका क्या निकालना है, रूट निकालना है, सिंपल से आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो अगर आप इसको गुणा करके √ वगैरह निकालोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा और ऑप्शन भी काफी क्लोज है, ऐसा भी नहीं कि आप अप्रोक्सीमेटली बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक, या फिर आपको एलजेब्रा में जाना पड़ेगा, तो बिना एलजेब्रा का यूज किए डिजिटल सम से इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखिए 1 1 का डिजिटल सम होगा 1, 90 डिजिटल सम 9, 9 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, डिजिटल सम 9 ही रहेगा, डिजिटल सम 9 या मतलब 0, तो ये डिजिटल सम हो गया आपका 0, 0 प्लस 1 1, यानी कि अंडर रूट के अंदर जो संख्या लिखी हुई है उसका डिजिटल सम 1 आ गया, ठीक है। तो अगर मैं स्क्वायर करूं तो डिजिटल सम क्या आएगा तुम्हारा, 1 आएगा, स्क्वायर कर दो तो भी डिजिटल सम क्या आएगा, 1 आएगा, मतलब वो ही आंसर पॉसिबल है जिसका, क्योंकि अंडर रूट भी तो था, आपको अंडर रूट की भी तो मैनेज करना था, वो ही आंसर पॉसिबल है जिसको स्क्वायर करने पर डिजिटल सम क्या बने आपका, 1 आए, क्लियर है। तो सिंपल सा देखेंगे 8 × 9 7 × 3 10, 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, आंसर पॉसिबल है। 8 × 9 4 3 8 × 9 4 3 7 का स्क्वायर 49, 9 × 4 13, 4 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं। इसको देखेंगे 8 × 9 7 2 9, ये 0 होगा, डिजिटल सम 0 आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। 8 × 9 3 2 5 5 का स्क्वायर 25 25 मतलब 7 ये 7 आ रहा है, ये पॉसिबल नहीं। फर्स्ट आंसर देखिए पॉसिबल है, बहुत सिंपल और बहुत फास्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो चुटकियों में, और ऐसा नहीं है कि केवल और केवल कैलकुलेशन के सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चंस में डिजिटल सम यूज होगा। मैं आपको आपके अर्थमेटिक के जो कोर अर्थमेटिक के क्वेश्चन होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, डाटा इंटरप्रिटेशन, हर किसी में डिजिटल सम आपका लगेगा, बस आपको लगाना आना चाहिए। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपनी बेसिक कैलकुलेशन को भूल जाओ और कैलकुलेशन में कतई वीक रहो और हर सवाल को डिजिटल सम से बनाने की कोशिश करो, वैसा भी नहीं होने वाला। तो आपसे पूछा है मूलधन है 11,280 रुपए, टाइम है 1.5 साल, रेट है 38% की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है, ब्याज ना अर्धवार्षिक संयोजित है, आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं ब्याज को, अगर हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं तो रेट कितना हो जाएगा तुम्हारा 19%, और 1.5 साल का मतलब कितना हो जाएगा भाई, 1.5 साल का मतलब यहाँ पे तुम्हारे 18 मंथ कर ले, 12 यहाँ पे आप इसको 18 मंथ कर लेना, या ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 18 मंथ ही दे रखा है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे साइकिल देखूँ आपकी 6 6 महीने की, 6 6 महीने की अगर मैं साइकिल देखूँ तो 6 मंथ + 6 मंथ + 6 मंथ टोटल 18 मंथ हो गया, ठीक है, तो 3 बार हो गया, 3 साइकिल कंप्लीट हो गई। तो अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है CI, ठीक है,
तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? देखिए सिंपल सा, सभी को पता, मैं बेसिक फॉर्मूला लगा रहा हूं, पी इंटू रेट कितना है 19%, यानी कि 1.19 की होल पावर 3 माइनस 1, ये हो जाएगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट। बोलिए अगर मैं बेसिक फॉर्मूला लगाऊं पी इंटू 1+R/100 की पावर एन, यहां से अमाउंट आएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। रेट आपको 38% पर एनम दे रखा था, आपको हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहा है तो रेट 19% हो जाएगा। टोटल 1.5 साल का टाइम पीरियड दिया है तो 3 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे, 6 मंथ प्लस 6 मंथ प्लस 6 मंथ। ठीक है, अब कैलकुलेशन करना बहुत भयंकर काम है, तो अब मैं सोचता हूं कि मैं डिजिटल सम से इसको कैसे कर सकता हूं। देखिए सिंपल सा, देखिए 8 × 1 = 9, तो 2 × 1 हो गया 3, सिंपल सा इन हो गया 1+1 = 2। देखिए परसेंटेज का और पॉइंट का डिजिटल सम पे कोई असर नहीं पड़ता, उसको इग्नोर कीजिए, सिंपल कैलकुलेशन करते जाइए। 9 + 1 = 2, 2³ = 8, 8 - 1 = 7, 21, मतलब डिजिटल सम कितना आ गया 3 आ गया। तो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 है, क्योंकि आंसर आपके एग्जैक्ट दे रखे है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है ना, तो सिंपल सा देखते हैं किसका डिजिटल सम यहाँ पे बना। देखिए 7 × 2 = 9 और ये 5 + 4 = 9 हो गया। ठीक है, तो ये 9 हो गया, 8 × 3 = 11, 11 × 5 = 16, तुम्हारा 7 हो गया, ये तो नहीं, ये भी बिल्कुल आंसर पॉसिबल नहीं। उसके बाद ये आपका 9 हो गया, 7 × 2 = 9 हो गया, 6 × 3 = 9 हो गया, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। ठीक है, 8 × 4 = 12, 12 मतलब 3, 3 + 5 = 8, 8 × 5 = 13, ये 4 है, ये भी आंसर पॉसिबल नहीं। ये वाला देखते हैं, 7 × 2 = 9 हो गया, 7 × 2 = 9 हो गया, ये 9 हो गया आपका, 5 × 5 = 10, 10 × 8 = 18, 5 × 5 = 10, 8 = 18, 3 = 21 और ये डिजिटल सम 3। तो इस वाले ऑप्शन में डिजिटल सम 3 बनना है, थर्ड ऑप्शन में आंसर पॉसिबल है। एक बार शॉर्ट शॉर्ट होने के लिए आप चौथे ऑप्शन को भी चेक कर लीजिए। देखिए सिंपल सा, ये 7 × 2 = 9 हो गया, ये 7 × 2 = 9 हो गया, ये 5 × 4 = 9 हो गया, 5 × 3 = 8, 6 = 14 है, ये भी नहीं है, क्लियर है, सिंपल सा। तो एक ही आंसर पॉसिबल है, थर्ड ऑप्शन। देखिए इतनी भयंकर कैलकुलेशन से आप बच गए डिजिटल सम लगाकर, बहुत सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, कुछ दम है नहीं सवाल में। ठीक, चलिए आगे सवाल नंबर 9। केवल कैलकुलेशन को इजी करने के लिए डीएस लगाया जा सकता है, आपके कैलकुलेशन को, आपके लॉजिक को स्ट्रांग ये नहीं करता। लॉजिक आपको पता ही होना चाहिए कि बस डिजिटल सम आ गया, अब तो पूरा मैथ आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत जगह इसकी हेल्प से आप क्वेश्चन की कैलकुलेशन को आसान कर सकते हो। देखिए सिंपल सा, द अमाउंट रिसीव्ड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 4 years इज दिस, व्हाट वॉज द प्रिंसिपल। 10% ब्याज की दर से 4 साल में जो आपका अमाउंट हो गया वो इतना हो गया, तो प्रिंसिपल क्या था? देखिए सिंपल सा, सपोज प्रिंसिपल पी था, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% तो स्केलिंग फैक्टर क्या है 1.1, टोटल टाइम 4 साल का है, तो प्रिंसिपल इंटू 1.1 की पावर 4, ये अमाउंट हो गया। अमाउंट दिया कितना है 1368935। बोले सही बात है। अब देखिए 1.1 की पावर 4 है, इसको हम नीचे ले आते हैं, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं नीचे, ये आ गया आपका प्रिंसिपल। अब देखिए सिंपल सा है, अब डिजिटल सम जरा निकालिए, ऊपर से अगर आप डिजिटल सम निकालोगे तो देखिए 9 हो गया, 8 × 1 = 9 हो गया, 6 × 3 = 9 हो गया, 3 × 3 = 6, 6 × 5 = 11, तो ऊपर से तो डिजिटल सम 2 आया। 1 + 1 क्या हो गया भैया आपका 2 हो गया, 2 की पावर 4 = 16, 16 मतलब 6 + 1 = 7 हो गया, तो 2/7 आया, तो ये आया 2/7। देखिए मैंने आपको बता रखा है कि नीचे अगर डिनोमिनेटर में 7 देखिए तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों? क्योंकि 4 × 2 = 8 हो गया, नीचे 7 × 4 = 28, 8 × 2 = 10, यानी कि डिजिटल सम 1 हो गया। तो यानी कि प्रिंसिपल जो भी होगा उसका डिजिटल सम क्या होगा, तुम्हारा 8 होगा। 8 देखिए कौन से ऑप्शन में, 9 नहीं है, 5, 3, 8 या 8 है, ये आंसर पॉसिबल है। 9 ये 5, 2 7 है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसको देखते हैं, ये तुम्हारा हो जाएगा 6, 4, 10, 5, 15 और 8, 15, 8 ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 23, ये भी नहीं है बिल्कुल ही पॉसिबल। 9, 7, 5, 12, 3 ये भी नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए आपने कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया, आप कैलकुलेशन करके देखिए आंसर एकदम यही होगा। ठीक है ना, देखिए ये सवाल है इस टाइप का, कुछ कुछ क्वेश्चन आपके 2017 मेंस के पेपर में पूछा गया था, क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव सा लग रहा है लेकिन बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। गिरी ने 14 साड़ियां खरीदी एट एन एवरेज कॉस्ट ऑफ 835, ठीक है, 835 रुपए की हर एक साड़ी उसने 14 साड़ियां खरीदी, 11 साड़ी उसने और खरीदी, एवरेज कॉस्ट है 645 रुपए। तो आपसे पूछा एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल द साड़ीज ही बाइज टुगेदर, तो आपको पहले यहां पे वेटेड एवरेज का कंसेप्ट पता होना चाहिए। आपको सारी जितनी भी साड़ीज है उनका
ओवरऑल एवरेज कॉस्ट निकालना है। देखिए 14 साड़ी खरीदी है उसने, 835 रुपए पर साड़ी का कॉस्ट है, तो 14 × 835 टोटल कॉस्ट हो गया। 11 साड़ी उसने टोटल खरीदी है, हर एक की कॉस्ट 445 है, तो 11 साड़ियों की टोटल कीमत इतनी होगी। ये टोटल कॉस्ट हो गया 25 साड़ियों का, 25 से डिवाइड कर दीजिए, ये एवरेज कॉस्ट आ गया कि नहीं, ये एवरेज कॉस्ट आ गया साड़ी साड़ियों का। ठीक है, आप देखते हैं इसको डिजिटल सम से कैसे बना सकते हैं। सिंपल से देखिए 4 × 5 = 8, 3 × 11 = 5 = 16, मतलब 7 × 7 = 35, 7 × 5 = 35 और ये तुम्हारा हो जाएगा 8। ठीक है, सिंपल सा है। 2 × 2 = 6, 4 × 10 = 5, 15 = 6, 6 × 2 = 12, 12 = 3, 8 + 3 = 11, 11 = 1 + 1 = 2, ऊपर तो हो गया 2 हो गया। ठीक है, नीचे क्या है, नीचे हो गया भैया तुम्हारा 5 + 2 = 7 हो गया, 7 आए तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तुम्हारा 8 हो गया डिजिटल सम। तो जिस आंसर ऑप्शन का डिजिटल सम 8 है वही आंसर है। इसको देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 5 × 4 = 9, 7 × 1 = 8, ये आंसर पॉसिबल है। सिंपल सा इसको देखते हैं, 7 × 3 = 10, 10 × 4 = 14, 14 × 3 = 17, 17 × 4 = 21, तो ये तो 3 है, ये आंसर नहीं है बिल्कुल भी। इसको देखते हैं, 7 × 2 = 9, 6 × 5 = 11, 4 = 15, 6 है, ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, 7 × 6 = 13, 13 × 7 = 20, मतलब 2 × 2 = 4, 6 × 4 = 10, ये 1, बस एक ही आंसर पॉसिबल है, फर्स्ट ऑप्शन, सिंपल सा। तो सवाल में ऐसी कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं किसी भी क्वेश्चन में, बस आपको थोड़ा सा फास्ट रहना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सवाल नंबर 11। अब देखिए मैंने हर एक पैटर्न का क्वेश्चन डालने की कोशिश की है आपको डीएस का कंसेप्ट समझाने के लिए, जैसे कि यही क्वेश्चन है, ये आपका परसेंटेज का है, तो परसेंटेज के सवालों में भी डिजिटल सम लग सकता है, देखेंगे ध्यान। फ्रॉम दी मंथली इनकम ए स्पेंड 24% ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंस, 16% ऑन एंटरटेनमेंट, 28% ऑन एजुकेशन, आउट ऑफ द रिमेनिंग ही डोनेट 72% मनी एंड लेफ्ट विद एन अमाउंट 2403.52, फाइंड इज मंथली इनकम। देखिए सवाल बहुत सरल है, देखिए सपोज उसकी मंथली इनकम P रुपए उसकी मंथली इनकम है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से 24% खर्च किया, 16% खर्च किया, 28%, तो 24 + 16 = 40, 40 + 28 = 68% वो उड़ा चुका है, तो बचा 32%, यानी कि 0.32, देखिए सिंपल सा है, इनटू फिर रिमेनिंग इतना बचा, इस रिमेनिंग का 72% उसने डोनेट कर दिया, तो फिर बचा कितना, रिमेनिंग का 0.28, 28% यानी कि 0.28 बचा, और एक्चुअली उसके पास बचा कितना है, 2403.52, तो यही हो गया सिंपल सा। अब यहाँ पे आप कैलकुलेशन करना शुरू कीजिए, आंसर आ जाएगा, लेकिन मैंने बोला कि डिजिटल सम से बड़ी आसानी से हो जाएगा, तो देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा डिजिटल सम से क्वेश्चन सॉल्व ना। अगर यहाँ पे देखोगे तो 3 × 2 = 5, 8 × 2 = 10, यानी कि 1, तो ये आएगा तुम्हारे यहाँ से 5, इसका डिजिटल सम कितना जाएगा तुम्हारा 5, यहाँ से देखेंगे 4 × 3 = 7, 2 × 9 = 9, 4 × 3 = 7, 2 × 9, तो ये हो जाएगा 5 × 2 = 7, तो पी का जो डिजिटल सम ये तुम्हारा 7/5 हो गया, मैंने बोला 5/5 है, तो ऊपर नीचे 2 चुपका दीजिए, 7 × 2 = 14 है, 4 × 1 = 5 आ गया, ये तुम्हारा 1 हो गया, तो 5 आ गया डिजिटल सम। आंसर जो भी होगा उसका डिजिटल सम तुम्हारा 5 होना चाहिए, देखते कौन से ऑप्शन में 5 है, 7, 2, 9, 5, 4, 9, ये तो 2 है, ये आंसर नहीं है। इसको देखते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5, 2, 7, 2, 9, 8, 6, 14, 4, 1, 5, ये 5 बन रहा है, ये आंसर हो सकता है। इसको देख सकते हैं, 5, 4, 9, 6, 5, 11, ये तो तुम्हारा 2 बनना, ये आंसर नहीं है, 9, 5, 4, 9, ये 3 बनना, ये भी आंसर नहीं है, तो आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन। कितना सरल और सिंपल हो गया आपके लिए क्वेश्चन, देखिए सिंपल सा एक ही लाइन में आपने आंसर निकाल दिया। चलिए आगे देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन भी परसेंटेज का है, बहुत भयंकर डाटा के साथ है सवाल। एक टाउन की पॉपुलेशन है, वो फर्स्ट ईयर में 7% बढ़ती है, सेकंड ईयर में 6% घट जाती है, थर्ड ईयर में फिर से 3% बढ़ती है, और थर्ड ईयर के एंड में जो पॉपुलेशन है वो इतनी हो जाती है, तो पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में क्या थी ये? तो सपोज फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में पॉपुलेशन पी थी, 7% बढ़ी फर्स्ट ईयर में तो 1.07, फिर 6% घटी तो 0.94, फिर 3% बढ़ी तो 1.03, और फाइनली जो पॉपुलेशन होगी वो कितनी होगी, 5, 6, 6, 5, 2, 2, 3, 8, 1, 9। अब गुणा करना तो बहुत ही ज्यादा भयंकर काम है मेरे हिसाब से, मेरे जैसे बंदे के लिए भी भयंकर काम है, पर ऑप्शन को अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन में डिजिटल सम से बड़ी आसानी से बना सकता हूं। ठीक है, पहले यहां पे डिजिटल सम देखते हैं, 7 × 1 कितना हो गया, ये तुम्हारा 8 हो गया, ये तुम्हारा 4 हो गया, ये तुम्हारा 4 हो गया, ठीक है, 8 × 32 = 5, 5 × 4 = 20, 2, तो यहां पे डिजिटल सम आ गया इसका 2। आगे सिंपल से यहां से देखते हैं, 9 + 8 = 9 हो गया, 5 + 4 = 9 हो गया, 6 + 3 = 9 हो गया,
आपका 6, 5, 11 तो 1 + 1 2, यहां से भी डिजिटल सम कितना आएगा तुम्हारा 2, तो p बराबर 2/2 यानी कि डिजिटल सम क्या बन गया 1। वैसे तो 2 से 2 कट गया वरना ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो 5 × 2 = 10 ही 1, ये तो 1 हो गया, ऊपर 1 + 0 1 ही बन जाएगा, मतलब 2/2 डिजिटल सम क्या बन गया आपका 1। तो आंसर जो भी होगा उसका डिजिटल सम 1 होना चाहिए। देखते हैं कौन से ऑप्शन में 1 है, ये 5, 4, 9 हो गया, 6, 5, 11 तो 2 दे रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये 5, 4, 9 हो गया तो हटा देते हैं, 5, 2, 7, 7, 6, 13, 4 है, ये बिल्कुल भी नहीं है, 5, 5 बार ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 25, 7 होगा, ये आंसर नहीं है, मतलब यही आंसर पॉसिबल है, खत्म सवाल। इतनी देर में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देखिए 5, 4, 9, 8, 6, 14, 14, 5, 19, 19 मतलब 9 × 10 1 आ गया डिजिटल सम। क्लियर, कोई समस्या है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? यहां तक समस्या तो होनी नहीं चाहिए, चीजें बहुत ज्यादा सिंपल है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, ऐसे सवाल आपके पेपर में अब आते रहते हैं। देखिए सिंपल सा ये क्वेश्चन है और हमारे ऑप्शन है, सीधा शुरू हो जाइए, 9, 9 हटा देते, 3, 2, 5, 5, 5, 25 कितना आ गया डिजिटल सम, यहां से 7 आ गया, ठीक है, यहां से देखते हैं 5, 2, 7, 5, 2, 7, 7, 3, 49, 49 मतलब 13 मतलब 4 ही तुम्हारा 4 हो गया। क्लियर है, सिंपल सा है, यहां से देखते हैं 9, 3 और 2, 5, 4, 5, 5, 5, 25, 25 मतलब डिजिटल सम 7 हो गया, ठीक है ना, तो 7, 7 डिजिटल सम क्या आ गया तुम्हारा 4। आप समझ पा रहे हो चीजों को, मैं इतनी जल्दी जल्दी कर रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं कि कैसे करते हैं। देखिए 9 हटा दीजिए, आप 9 को इग्नोर कर दीजिए, 3 + 2 = 5 हो गया, 3 + 2 = 5 हो गया, 5 × 5 = 25, 25 मतलब डिजिटल सम हो गया 7। तो ऐसे आप, लेकिन इतना स्लो करोगे तो फायदा क्या वही लगाने का, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, 5, 2, 7, 5, 2, 7, 7, 7, 49, 9 हटा दीजिए, डिजिटल सम कितना आ गया तुम्हारा 4 आ गया, सिंपल सा है। यहाँ पे देखिए 9 हटा दिए, 4, 1, 5, 3, 2, 5, 5, 25, 25 मतलब डिजिटल सम 7, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, आंसर का डिजिटल सम कितना होना चाहिए तुम्हारा 4 होना चाहिए। क्लियर है, अब ऑप्शन में देखते हैं, देखिए 9, 7, 2, 9, 8, 3, 11, 2 है, ये आंसर नहीं है, 9 और ये 9, 4, 3, 7, 6, 13 डिजिटल सम 4 है, ये आंसर पॉसिबल है। इसको देखते हैं 9, 6, 3, 9, 8, 6, 14, 5 है, ये आंसर पॉसिबल नहीं है, 9, 7, 3, 10, 1, 1 + 8, 9 हो गया, 8 है, ये भी पॉसिबल नहीं, खत्म क्वेश्चन खत्म। इतनी देर में सवाल आपको करके आगे बढ़ जाना है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 14, देखिए सवाल नंबर 14 काफी बड़ा बड़ा सा लग रहा है देखने में, पर डरने की जरूरत नहीं है। देखिए 375 × 455 +13.3% ऑफ 8600 -15.7% ऑफ दिस बराबर 40% ऑफ एक्स टू एक्स का मान निकालना है। मैंने पहली बोला कि पॉइंट और परसेंटेज को इग्नोर करो, सिंपल सा डिजिटल सम लगाते चलो। देखिए सिंपल सा देखेंगे हम, यहां से कितना आएगा तुम्हारा 7, 3, 10, 7, 3, 10 1 + 1 = 2 हो गया, 2 + 5 = 7, 5 = 12 3 आ गया यहां से डिजिटल सम, सही बात है, क्लियर है, ऊपर से 3 आ गया, नीचे से 5, 4, 9 तो 3/5 हो गया, अरे सही है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6। तो यहां से डिजिटल सम कितना आया हमारा 6 आया। आप समझे, मैं एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूं, गौर से समझिए, 7, 3, 10 और ये 7, 3, 10 कितना हो गया तुम्हारा 2 हो गया, 2 + 5 = 7, 5 = 12 कितना हो गया 3, 3 आया, नीचे से 5, 4, 9, 5 आ गया, 3/5, 3/5 वैसे 0.6 होता है, 6 ही डिजिटल सम हो गया। आप इतना जल्दी भी सोच सकते हो कि यहां से डिजिटल सम कितना आएगा मेरा 6 आएगा, सही है, यहां से देखते हैं, यहां से देखोगे तो 3 और 1 = 4, 4, 3 = 7, 8, 6 = 14, 14 = 5, 7, 5 = 35 मतलब 8, तो यहां से डिजिटल सम कितना आएगा तुम्हारा 8 आएगा, तो 6 + 8 ठीक है। चलिए यहां से देखते हैं ये कितना आ जाएगा भैया तुम्हारा, ये 9 हो गया, 4 × 2 = 6 हो गया, 7 और 1 = 8, 8 + 5 कितना हो गया तुम्हारा 13 मतलब 3 + 1 = 4, 4 + 6 = 24, 24 मतलब कितना हो गया आपका 6, तो ये आपका 6 हो गया। क्लियर है, देखिए सिंपल सी बात है, सवाल में कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, बराबर 40% मतलब 4, 4 × x बराबर 4 × x हो गया, सिंपल सा है, 6 से 6 कट गया, x बराबर डिजिटल सम कितना आ गया तुम्हारा 2, ठीक है, तो x की जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसका डिजिटल सम कितना होगा आपका 2 होगा। अब ऑप्शन उठाते हैं जल्दी जल्दी, ऑप्शन देखते हैं डिजिटल सम 2 कहां पे, 6, 3, 9 3 हो गया, नहीं है, यहां पे देखते हैं 9, 5, 3, 8, 1, 9 ये 2 बन रहा है, ये आंसर हो सकता है, 5, 3, 8, 1, 9 ये 3 बन रहा है, ये भी आंसर नहीं है, 6, 2, 8, 1, 9 ये 4 बन रहा है, आंसर नहीं है, आंसर आएगा तुम्हारा बी ऑप्शन। क्लियर, अरे सिंपल सी बात है, जल्दी जल्दी बना रहे हो कि नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल बहुत ज्यादा सरल है, ठीक है, कैलकुलेट भी करोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर हमको इसको 10-12 सेकंड में बनाना है तो जल्दी से तो बनाना पड़ेगा।
डिजिटल सम देखते देखिए, 5 4 9 हो गए 6, 4 4 8 3 11, मतलब 2 2 6 12, मतलब डिजिटल सम यहाँ से है 3, यहाँ पे देखते हैं 7 2 9 9 हो गया, ठीक है, ये कितना है तुम्हारा -8, ठीक है, यहाँ से 20, ये 20% मतलब 2 हो गया, 5 5 10 5 15 15 मतलब 6 2 12 3 आ गया, तो 3 + 3 6 - 8 - 2 -2 आ गया डिजिटल सम -2। अब यहां पर हो जाएगा स्टूडेंट परेशान कि ये तो -2 आ गया, अब क्या करूंगा। डिजिटल सम कैन बी नेगेटिव, डिजिटल सम नेगेटिव भी हो सकता है, डरने की जरूरत नहीं है। मैंने इसको सॉल्व किया तो आया -2, तो -2 आया, इसका मतलब है क्या कि इस संख्या को 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर है वो -2 है, 9 से डिवाइड करने पर -2। अगर -2 है तो देखिए सिंपल सी मुझे बात बताइए, क्या अगर नेगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट आपको आता है -2, इसमें सिंपल सा आपको कुछ भी नहीं करना, 9 ऐड कर दीजिए यानी कि 7, क्लियर है, कोई समस्या, मतलब इस संख्या को 9 से डिवाइड करने पर या तो मैं ऐसे बोलूं कि रिमाइंडर -2 आया, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि रिमाइंडर क्या आया 7 आया। तो अगर आपका डिजिटल सम लाइक इस तरीके से आता है -1 -3 -5, तो कुछ मत कीजिए, 9 ऐड कर दीजिए, ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये तुम्हारा 4 हो जाएगा, 9 ऐड कर दीजिए, यानी कि -2 में +9 ऐड कर दीजिए तो आपका डिजिटल सम क्या आएगा 7, मतलब आंसर वही ऑप्शन है जिसमें डिजिटल सम क्या है तुम्हारा 7। देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है, 8 1 9 4 3 7 दोनों ये तो 1 है, ये आंसर बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, इसको देखते हैं 9 7 2 9 3 3 6 1 7 7 आ रहा है, ये डिजिटल सम है तुम्हारा, हो सकता है पॉसिबल, ठीक है, 6 3 9 हो गया, 5 2 7 7 14 5 हो रहा है, ये भी नहीं है, 8 1 9 9 3 3 6 2 8 हो रहा है, ये भी नहीं है, खत्म। तो आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का, बी ऑप्शन। तो देखिए कितनी जल्दी जल्दी से आप सवाल बना पा रहे हो, ये कोई ऐसा कोई मैजिक या कोई ऐसी कोई बात है नहीं, सिंपल सा ये बहुत नॉर्मल सा कंसेप्ट है कि हम बस 9 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में 9 से भाग डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं बस। ओके देखिए बहुत बड़ा सा एक आपको दे रखा है गुणा भाग जोड़ घटाना, आप इसको जल्दी से कैसे बनाओगे, वैसे तो 10-15 मिनट लग जाएगा आपको इसको सॉल्व करने में, तो कैलकुलेशन फास्ट वो 3-4 मिनट में कर देंगे, लेकिन फिर भी टाइम तो लगेगा, लेकिन इसको सेकंड भर में कैसे करना है वही हमको देखना है। जैसे यहाँ पे डिवीजन दे रखा है, अगर मैं इसका यहाँ पे डिजिटल सम निकालने लगूँ तो 6 3 9 हो गया, 7 1 8 7 15 15 5 20 यानी कि 2 हो गया, ऊपर से तो 2 आ गया, नीचे से कितना आ गया तुम्हारा, नीचे से आ जाएगा 5 4 9 3 1 4 2 4 यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 5। तो यहाँ से डिजिटल सम कितना आएगा तुम्हारा 5 आएगा, सिंपल सा है, देखिए 2 और 1 3 और 1 4 8 1 9 तो 4 × 1 5 2 7 1 8 8 6 32 तो 32 मतलब 5, तो यहां से भी कितना आएगा तुम्हारा 5, तो 5 + 5 ऐसे लिख रहा हूं मैं, समझते रहना जल्दी जल्दी, ठीक है, देखिए कितना हो गया तुम्हारा 9, 3 और 1 4 2 6 और 6 और 1 7 5 12 12 का मतलब 3 हो गया, 6 3 18 8 + 1 9 ये 0 हो गया, इसको हटाइए, 1.4 मतलब 5, 5 का क्यूब 125, 2 3 5 8 यहाँ से डिजिटल सम कितना है तुम्हारा 8, सही बात है। यहाँ से देखते हैं 5 4 9 1 हो और 5 4 9 0 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, सिंपल सी बात है, 5 5 ये तुम्हारा कितना हो गया 10, ये 1 1 कट गया, तो डिजिटल सम कितना है आपका 8 है। देखिए सिंपल सा जो जिस ऑप्शन में डिजिटल सम 8 है वही आपका आंसर है, देखते हैं 8 1 9 5 4 9 6 2 8 ये 8 दे रहा है, ये तुम्हारा आंसर पॉसिबल है, 5 4 9 4 3 7 2 9 ये 2 दे रहा है, ये पॉसिबल नहीं। यहां से देखते हैं 6 3 9 और ये तुम्हारा कितना हो गया भाई 2 2 4 4 8 12 12 2 14 5 है, ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है, 7 2 9 हो गया, ठीक है, 6 2 8 8 3 24 6 दे रहा है, ये आंसर नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन आ गया। कितना समय लगा आपको, बिल्कुल भी नहीं, आपको खुद से भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैं धीरे धीरे समझाऊंगा तो नहीं होने वाली चीजें। देखिए ये जो सवाल है ये आपका 2017 मेंस के पेपर का है और कितनी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो मैं आपको बताता हूं। जैसे यहाँ पे m दे रखा है, आपको n दे रखा है, आपसे m प्लस n पूछा, सिंपल कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है, सही बात। चलिए तो देखते हैं, देखिए पॉइंट 2 का डिजिटल सम 2 का स्क्वायर 4 ये 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 4 8 8 प्लस 2 10 यहां से डिजिटल सम कितना आ गया तुम्हारा 1 आ गया, बोलो सही बात। यहां से देखते हैं 3 तीन तीन छह छह का स्क्वायर 36 36 9 यहां से ये 0 हो गया 9 9 का स्क्वायर 0 हो गया तो 3 3 + 1 4 तो m प्लस n का डिजिटल सम कितना आ गया 4। ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन जिसमें डिजिटल सम 4 है, देखिए 9 9 हो गया 5 3 8 1 9 ये 3 है ये बिल्कुल भी नहीं है 8 1 9 9 9 हो गया 6 2 8 है बिल्कुल भी नहीं है 9 8 1 9 ये हो गया 7 6 13 4 बन रहा है ये आंसर पॉसिबल है। यहाँ पे देखते हैं 9 9
पांच दिन सात दो नौ छह, ये छह बनना है। थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया, तो आप इसको विद इन सेकेंड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इतने टफ सवाल किस लिए दिए एग्जामिनर? शायद एग्जामिनर ने ऐसे भी सोचा हो कि बच्चा डिजिटल सम जानता है कि नहीं, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन बना के दिया हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। जैसे सवाल नंबर 18, देखिए सिंपल सा सीपीओ के पेपर का क्वेश्चन है इस टाइप का। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल रुपीज। देखिए प्रिंसिपल दिया है, टाइम आपको 5 साल दिया है, रेट आपको ये दिया है, सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा है। तो सिंपल इंटरेस्ट सभी लोग जानते हो, पी आर टी अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। तो डिजिटल सम निकालोगे तो बटे 100 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से देखते हैं सिंपल सा डिजिटल सम, 8 1 9 5 3 8 हो गया, 8 5 40, डिजिटल सम 4 हो गया। सही बात है, यहां पर देखते हैं 8 3 11 7 18 9 हो गया, 9 और ये तुम्हारा 5 हो गया, 4 5 20, डिजिटल सम आ गया 2। तो 2 आ गया। आप देखते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें डिजिटल सम आपका 2 बन रहा है। अरे बात समझ में आई ना, बहुत सिंपल सा है। देखिए यहां से समझने की कोशिश करते हैं, 9 हो गया, 7 2 आपका 9 हो गया, 5 3 8 1 9 हो गया, 5 5 10 11, 1 + 1 2, ये आंसर पॉसिबल है। यहां से देखते हैं 8 1 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, 7 3 10 5 12 3 हो गया, नहीं बिल्कुल भी नहीं। यहां से समझने की कोशिश करते हैं, 7 2 9 हो गया तुम्हारा और ये 6 1 7 2 9 हो गए, बिल्कुल भी नहीं, 5 5 10 से 16, ये तो 7 बनना है, ये भी नहीं। यहां से समझने की कोशिश करते हैं, 5 4 9 हो गया, 2 1 3 6 9 हो गया, 5 4 9 हो गई, 1 बनना, ये भी नहीं। आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन, क्लियर? देखिए सिंपल सा, बी क्विक। चलिए अगला देखेंगे सवाल नंबर 19, ये भी पेपर में पूछा हुआ सवाल है। अब इसको सॉल्व करना मजाक बात है नहीं, बहुत टाइम लग सकता है आपको, लेकिन मैं कहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को सेकंड्स में बना सकते हो। सभी को पता है, देखिए जैसे 1/8 है, अगर बटे में 8 आता तो मैंने ये तरीका बताया कि आप ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करिए, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि नीचे 8 2 64, 64 मतलब 6 + 4 10, 10 मतलब 1, नीचे क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए 1/8 अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर तो 8 बन जाएगा, नीचे 1 बन जाएगा, डिजिटल सम यानी कि 1/8 यहां से क्या आएगा तुम्हारा 8 आएगा। एक्चुअली में अगर आप 1/8 को डिवाइड भी करते हो तो 0.125 आएगा, 2 1 3 5 8, लेकिन अगर मैं नीचे तुम्हारा 1 बना देता हूं तो 8 × 1, ये सीधा का सीधा डिजिटल सम ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से डिजिटल सम 8, यहां से डिजिटल सम 8, ये भी 8 आएगा, ये भी 8 आएगा, क्योंकि जीरो का कोई फर्क पड़ता नहीं है। और ये कितनी टर्म से लिखा हुआ है, 8 टर्म्स तक लिखा हुआ है। तो 8 को आप ऐड करोगे 8 बार तो 64 हो जाएगा, 64 मतलब 10, 10 मतलब 1। तो यहां पे ये जो एक्स है, एक्स का जो डिजिटल सम है वो 1 है, 1 है, क्लियर है ना। 8 8 8 8, 64 मतलब 10 मतलब 1। तो ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें डिजिटल सम 1 बन रहा है। देखिए सिंपल सा, अगर यहाँ पे देखो आप, ये हो गया तुम्हारा 5 हो गया, तुम्हारा 5 बार और 6 बार, 5 × 30 3 हो गया, 3 3 6 3 9 हो गए, तो खत्म हो गया भाई तुम्हारा, 7 1 8 8 बनना है, खत्म हो गया। ठीक है, मुझे चाहिए 1। यहां से देखते हैं 6 लिखा हुआ है तुम्हारा, 6 बार 36 यानी कि 9 हो गया, ये तो खत्म हो गया। ठीक है, 5 4 9 हो गया, 2 1 3 ये 3 हो रहा है, ये भी आंसर नहीं। इसको देखते हैं 8 लिखा हुआ है 6 बार यानी कि 48 मतलब 12 मतलब 3, ये 3 हो गया, 3 3 6 1 7 7 14 14 5 19 9 19 मतलब 1, 1 बन रहा है, मतलब ये आंसर पॉसिबल है। इसको देखते हैं 4 लिखा हुआ है तुम्हारा 5 बार यानी कि 20 मतलब 2 हो गया, 2 2 4 1 5 5 1 6 2 8 8 5 13 मतलब 4, ये भी नहीं है, खत्म। तो आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन। देखिए सिंपल सा है सवाल, में ऐसा कोई खास दम है नहीं। ठीक है, अगर आप डीएस यहां पे लगाते हो, डिजिटल सम का कंसेप्ट। ठीक, चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 20, परसेंटेज का क्वेश्चन है। जब एक नंबर को 22% बढ़ाते हैं और 5827.12 में ऐड करते हैं तो ये 1210765 हो जाता है, तो बताइए नंबर क्या है। देखिए नंबर है एक्स, मैंने इसको 22% बढ़ा दिया, ये बढ़ गया, मैंने इसको ऐड कर दिया 5827.12 में, वैसे बात लिखने की जरूरत नहीं है, तो नंबर जो बन गया 1210765 हो गया, तो नंबर एक्स क्या है, यही है सवाल। बोले कोई दिक्कत, चलिए जल्दी से निकालते हैं डिजिटल सम। यहां से कितना आएगा तुम्हारा, 5 आ गया, ये 5 हो गया। यहां पे देखते हैं 7 2 9 हो गया, 8 1 9 हो गया, 5 2 7 हो गया, ये डिजिटल सम 7 हो गया। ठीक है, यहां से देखते हैं 7 2 9 हो गया, 2 6 8 8 5 13 4 हो गया, 4 हो गया, 4 - 7 कितना हो जाएगा, -3 - 3 मतलब 6, एक्स बराबर 6/5 यानी कि 1.2 यानी कि 3। तो कितना आएगा डिजिटल सम, एक्स का 3 होना चाहिए। देखते हैं कि यहां पर 3 है, ये 9 हो गया, 5 4 9 है, 7 6 13 मतलब 4 8 12 3 बन रहा है, ये हो सकता है।
यहां पे देख सकते हैं 9 ये 5 4 9 हो गया, 8 4 12 मतलब 3 7 10 ये 1 है, बिल्कुल भी नहीं, 9 9 हो गया। यहां पे देखते हैं ये 8 7 15 मतलब 6 6 12 5 17 8 है, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये भैया तुम्हारा 9 हो गया, 9 यहां पे 4 3 7 8 15 मतलब 6 4 10 3 13 4, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या आ गया, फर्स्ट ऑप्शन। तो कितना समय लगा, ज्यादा समय नहीं लगा मेरे हिसाब से, कितनी आसानी से आपने इसको सॉल्व कर लिया। देखिए बड़ी कैलकुलेशन होंगी तो एग्जामिनर खुद ही ऐसा डाटा सेट करके देगा कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं, ठीक है, लास्ट सवाल, ठीक है। ए ट्रेडर मार्क्स द कॉस्ट ऑफ ए कार 24% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 15%। इफ द डिस्काउंट इज इतना देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ कार इज, ठीक है, कितना मार्क किया उसने 24% अबव यानी कि 1.24, फिर 15% का डिस्काउंट दिया यानी कि 0.15, और जो डिस्काउंट दिया है वो तुम्हारा 223200। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको अर्थमेटिक के बेसिक फंडामेंटल आते हैं, क्योंकि मैंने पूरा अर्थमेटिक आपको करा दिया है, हम सिर्फ आप कैलकुलेशन को आसान करना सीख रहे हैं। देखिए सिंपल सी बात, अब यहां पर डिजिटल सम निकालें, 2 3 4 7 5 3 6 7 6 42 मतलब 6, यहां से 6 आया डिजिटल सम, यहां से डिजिटल सम कितना है तुम्हारा 6, देखोगे ना 4 3 4 5 2 7 आएगा, 5 3 6 7 6 42 42 मतलब 6। अब यहां पे 6 तो बटे में 6 ले जाओगे, तो मैंने आपको बताया कि 3, 6 और 9 पे दिक्कत होती है। अगर बटे में 3 6 और 9 है तो आपको पहले 3 6 9 से काटना पड़ता है। तो आप ऐसा करिए कि यहां से तो मुझे 6 दिख रहा है, पी इनटू समथिंग, पी इनटू 6, इसका डिजिटल सम कितना है 6, यहां से देखते हैं कितना मिल रहा है आपको, 2 और 2 4 3 7 2 9, यहां पे डिजिटल सम कितना दिख रहा है 9, ठीक। तो यानी कि पी की वैल्यू जो भी होगी वो वैल्यू होगी कि उसमें 6 से मल्टीप्लाई करने पर डिजिटल सम क्या आ जाए तुम्हारा 9 आ जाए, 6 से मल्टीप्लाई करने पर डिजिटल सम 9 हो जाए या फिर 0 हो जाए। देखिए अगर मैं ये आंसर मानता हूं तो ये डिजिटल सम है तुम्हारा 8 8 6 48 मतलब ये तुम्हारा तो 3 बनेगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, अरे समझे। अगर हम ये आंसर मानते हैं सेकंड वाला तो डिजिटल सम है 3 3 × 6 18 18 मतलब 9 डिजिटल सम बनेगा, ये आंसर पॉसिबल। अगर हम ये आंसर मानते हैं 5 और 1 6 8 14 मतलब 5 × 30 यहां से 3 बनेगा, ये आंसर नहीं। ये आंसर मानते हैं तो 5 4 9 और 2 और 1 3 तो यहां से 3 बनेगा, तो मेरे 2 आंसर पॉसिबल है बी और डी। अब हमारे 2 आंसर पॉसिबल हो गए बी और डी, क्लियर है। अब अगर आप 2 ऑप्शन में कहीं पे अगर फंस भी जाओ तो आपको फिर एक्स्ट्रा चीजें लगानी पड़ेंगी, आपको वहां पे यूनिट डिजिट देखना पड़ेगा, आपको वहां पे डिविजिबिलिटी देखना पड़ेगा, क्लियर है। आपको वहां पे तो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट देखना पड़ेगा या फिर आपको डिविजिबिलिटी देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर हम ये आंसर मानते हैं 1 4 2 5 00, तो 1 4 2 5 अगर 00 मैं आंसर मानता हूं 1400 ये इतना, और ये 1.24 है, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना 125% तो गुणा 5/4 और 15% मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना है 3/20। तो अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, 0 से आपका 0 कट जाएगा, ठीक है, और 2 से ही तुम्हारा 7125, ठीक है, इनटू देखिए 5 3 15 15/4 मतलब 15/4, अगर 15/4 को ध्यान से देखो तो 3.75 मतलब 4 के आसपास जाएगा, तो 7 4 28 यानी कि ये वैल्यू जो है आपकी इससे बहुत बड़ी हो जाएगी, मतलब ये आंसर पॉसिबल नहीं है। आप कौन सा ऑप्शन मार्क कर दोगे, ये फर्स्ट ऑप्शन, ये वाला बी ऑप्शन मार्क कर दोगे, ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने ये सवाल लिया है कि डिजिटल सम हर सवाल में लग जाए, जैसे यहां पे इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन में डिजिटल सम पे बराबर आ जा रही है वैल्यू, तो आपको क्या करना है उस केस में, आपको या तो अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा, आपको यूनिट डिजिट लगाना पड़ेगा, आपको डिविजिबिलिटी लगाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या अप्रोक्सीमेशन लगाया, अगर मैंने ये आंसर माना फिर मैंने उसका 25% निकाला फिर 15% निकाला, तो वैल्यू इससे काफी बड़ी हो गई, 30,000 के आसपास पहुंच गई, मतलब केवल एक ही आंसर पॉसिबल है, ये वाला सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, मैंने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिटलेस और सिंप्लीफिकेशन के हर टाइप के क्वेश्चन में आपको डिजिटल सम का एप्लीकेशन बताया, एक बार आप इनको खुद से ट्राई करें, कोई बहुत बढ़िया नई बात नहीं है। देखिए मेन अर्थमेटिक के सवालों में इतनी कैलकुलेशन नहीं आती है कि आपको ये सब लगाना पड़े, नॉर्मली वो क्वेश्चन आप यूनिट डिजिट और डिविजिबिलिटी से डील कर लेते हो, लेकिन जो DI है, जो डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन है, उनमें डिजिटल सम का रोल काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन DI के कुछ जो सवाल है उनमें आपको ध्यान से डिजिटल सम लगाना होता है, क्योंकि कुछ सवालों में आंसर अप्रोक्सीमेट भी होते हैं और आपका अप्रोक्सीमेशन में डिजिटल सम काम नहीं करता है। तो उन सभी चीज़ों को DI में कैसे डिजिटल सम लगाएंगे और कैसे DI टैकल कर रहा है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।